गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर कंप्यूटर क्लास एंड द लेक्चर वन. आई होप यू लर्न वेरी वेल, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. देन माई डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, मोर ऑन MS Word. इन फर्स्ट ऑनलाइन क्लास यू विल लर्न अबाउट बेसिक थिंग्स ऑफ MS Word, लाइक how can open MS Word, what is word processing software, and how can bold, italic, underline, and how can you change font size, font face, and font color. My dear students, in today's class you will learn about topic changing text alignment, bullets and numbering. My dear students, आज की क्लास में आप लोग पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका रहेगा चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट, एंड सेकंड टॉपिक आपका होगा बुलेट्स एंड नंबरिंग. देन हम लोग अब आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट्स क्या होता है. तो टेक्स्ट अलाइनमेंट, जैसा कि ये आपका, सपोज दैट ये आपका MS Word विंडो है, यहां पे आपके मेन्यूज हैं, फाइल, एडिट, व्यू एंड मेनी मोर मेनू बार्स हैं. तो MS Word, अब जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, यानी जैसे आप MS Word ओपन करते हैं, तो MS Word ओपन करने के बाद यहां पे क्या होता है कि आपका कर्सर का आपका पोजीशन होता है. कर्सर यानी कर्सर क्या होता है, जो ब्लिंकिंग करता रहता है, यानी जहां से आप लिखना चालू करते हैं अपना टेक्स्ट, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई आप लेटर टाइप कर रहे हैं, कोई बायोडाटा बना रहे हैं, या पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, या कुछ भी आप एनीथिंग वर्किंग कर रहे हैं, तो जहां से आप टाइप करना चाहते हैं वहां पे आपको एक ब्लिंक करती हुई वर्टिकल लाइन आपको दिखती है. तो ये जो लाइन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं. तो कर्सर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द डॉक्यूमेंट और एनी एप्लीकेशन. यानी होता क्या है कि यहां से आप लिखना चालू करते हैं. अब आपका जो अलाइनमेंट होता है वो कितने टाइप का होता है, चार टाइप के अलाइनमेंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, उसके बाद आपका लेफ्ट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट. यानी देर आर फोर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट. तो यहां पे आप देखेंगे अलाइनमेंट में, लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है, जब आप लेफ्ट अलाइनमेंट सेट करते हो तो आपका जो कर्सर होता है यहां पे होता है, यानी विंडो के डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में. और जब आपका राइट अलाइनमेंट होता है तो ये कहां पे होता है, ये राइट साइड पे. और जब आप सेंटर अलाइनमेंट सेट करते हो तो ये कहां पे होता है, सेंटर. और एक आपका होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट. ये क्या होता है, जस्टिफाई जब आप कर देते हो तो जो आपका टेक्स्ट होता है, मान लीजिए कि जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा कि दिस इज माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, तो जब आप इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट है, ये आपका सेंटर है, ये आपका, सॉरी, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर है, और चौथा जो आपका बचता है वो कौन सा होता है, जस्टिफाई. ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. तो जस्टिफाई अलाइनमेंट जब भी आप करोगे तो ये आपका जो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है लेफ्ट और राइट, यानी इसके और इसके, लेफ्ट और राइट के बीच में ये वर्ड्स को क्या कर देता है, मैनेज कर देता है. ना तो ये लेफ्ट में आपका वर्ड होगा, ना तो राइट साइड में होगा, ये उसको जस्टिफाई कर देता है, आपके पेज के साइज के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देता है. तो दिस इज द जस्टिफाई अलाइनमेंट. माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप अपने सिस्टम को ओपन करोगे, अलाइनमेंट्स को जब आप चेक करोगे, तो अलाइनमेंट का जो लोगो होता है, यहाँ पे इस टाइप का लोगो बना होता है, यहाँ पे ऐसी स्लाइनिंग्स होती हैं, एक लेफ्ट होगा आपका, फिर एक आपका सेंटर का होगा,
फिर एक आपका राइट का होगा, और यहीं पे चौथा आपका ऐसे जस्टिफाई का, किस तरह का मार्क होगा, ये लेफ्ट का होगा, ये सेंटर का होगा, ये राइट का होगा, ये जस्टिफाई होगा। तो इस तरह से लोगों आप अपने बुक के पेज नंबर 36 पर आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा ये अलाइनमेंट, आप वहां से सेट कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट कैसे आप चेंज करेंगे, सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा टेक्स्ट ये है, इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। जब भी आपको अलाइनमेंट चेंज करना होगा तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कहां पे, पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप कहां मिलेगा आपको, आपके मेन्यू बार में मिलेगा, जहां पे ये फाइल एडिट व्यू, यहां पे मेन्यू बार होते हैं। तो फाइल पे जब आप क्लिक करोगे मेन्यू पे, तो यहां पे आपको पैराग्राफ ग्रुप दिखेगा। तो पैराग्राफ ग्रुप में ये आपको सिंबल्स मिलेंगे, कहां पे, पैराग्राफ में ये आपको, ये लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो अब आप इसको जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसको यानी सेलेक्ट द टेक्स्ट। आफ्टर देन जो भी आपको जिस अलाइनमेंट पे करना है, लेफ्ट पे करना है, लेफ्ट साइड पे करना है विंडो के, तो लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। सेंटर पे करना है तो सेंटर पे कर देंगे, सेंटर अलाइनमेंट करना है तो राइट अलाइनमेंट करना है तो राइट पे क्लिक करेंगे, और जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो ये टॉपिक आपने देखा, अब आप यहां पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो माय डियर स्टूडेंट्स बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होता है, एमएस वर्ड प्रोवाइड्स सम स्पेशल फीचर्स सच एज बुलेट्स एंड नंबरिंग। यानी एमएस वर्ड जो है एक फीचर, एक स्पेशल फीचर लॉन्च आपको प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग बोलते हैं। और बुलेट्स एंड नंबरिंग से क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, सपोज दैट आप कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हो और उस लिस्ट में आपको नंबरिंग करना है या आपको डॉट के टाइप से करना है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सब्जेक्ट्स नेम लिख रहे हो, सब्जेक्ट का नेम लिख रहे हो, और उस सब्जेक्ट नेम में आपको इस तरह से वन, फर्स्ट पे मैथ्स है, सेकंड पे आपका इंग्लिश है, थर्ड पे आपका एसएसटी है, फोर्थ पे आपका हिंदी है, मेनी मोर। तो इस तरह का आप नंबरिंग देना चाहते हैं, इस तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन। और यहाँ पे आप नंबर के साथ साथ सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं, सिंबल का भी यूज करते हैं। जैसे सिंबल में आपका डॉट हो गया, सर्किल हो गया, कोई फिगर हो गया, तो इस तरह का भी बुलेट्स आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने नंबर दिया है तो यहाँ पे आप डॉट भी दे सकते हैं, इस तरह से आप कोई सर्किल भी दे सकते हैं, छोटे छोटे इमेज के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो आपको जो ऑप्शंस वहां पे इन फ्यूचर आपको वहां पे मिलेंगे, तो वो ऑप्शंस आप बुलेट्स एंड नंबरिंग में यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग, आप बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज कैसे करोगे, सबसे पहली चीज बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको कहां मिलता है, आप जाएंगे होम टैब पर, कहां पर, होम टैब पर। यानी सबसे पहले यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको कौन सा टैब मिलेगा, होम टैब, होम टैब आपको मिलता है। और होम टैब पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको होम टैब पे पैराग्राफ ग्रुप मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप पे जाएंगे, और पैराग्राफ ग्रुप में आपको जब ओपन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहां पे आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग, आप सबसे पहले होम टैब पे क्लिक करेंगे, फिर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक करेंगे। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, किसका, ये बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग का आपको
ओपन होगा और इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग के आपको मिलेंगे, बुलेट्स, फिर आपको नंबरिंग ऑप्शन मिलेगा। बुलेट्स में आप जब क्लिक करेंगे तो बुलेट्स में आपको इस तरह के फॉर्म मिलेंगे, यानी डॉट के फॉर्म में, जैसे ये सर डॉट के फॉर्म में, सर्किल के फॉर्म में, किसी इमेज के फॉर्म में। नंबरिंग में आप जाएंगे तो 1-2 करके मिलेगा, फिर रोमन अंक भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो आपको जो भी अप्लाई करना है, अगर बुलेट्स अप्लाई करना है तो बुलेट्स पे क्लिक करेंगे, नंबरिंग अप्लाई करना है तो आप नंबरिंग पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप बुलेट्स और नंबरिंग अपने टैक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप नंबरिंग देना चाहें तो नंबरिंग, और बुलेट्स अगर देना चाहें तो बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पे बुलेट्स और नंबरिंग के बाद आपके न्यू टॉपिक्स भी आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको न्यू टॉपिक के बारे में बताएंगे। और आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा कि बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होता है और टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो इस तरह से आप अपने एमएस वर्ड को ओपन करके ये चेंजिंग्स, ये फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।